नमस्कार, मैं विकास। इस वीडियो में हम आपको बहुत प्रेजेंट कर देंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। कई लोगों ने मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है, ठीक है, और उन्होंने बताया है कि मेरा नया पीएम किसान का मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है और मुझे आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस जो है वो नो दिखा रहा है। हालांकि मेरा आधार बैंक अकाउंट सीडिंग है, मैंने चेक किया तो ठीक है, देख पा रहा हूँ कि एक राजकुमार नाम के हैं, ठीक है। एक और मेरे पास स्क्रीनशॉट आया है कंचन कुमारी के नाम से, तो उनका भी देखेंगे कि दोनों लैंड सीडिंग और EKYCS है, लेकिन आधार बैंक अकाउंट सीडिंग इनका भी नो है। और इनका रजिस्ट्रेशन 7/7/2024 को कराया गया है और इनका भी रजिस्ट्रेशन 7/7/2024 को कराया गया है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि अगर आपका यहाँ पर बैंक अकाउंट सीडिंग नया रजिस्ट्रेशन हो या आपका पहले से यहाँ पर पुराना रजिस्ट्रेशन हो और आपने हाल ही में आधार बैंक अकाउंट सीडिंग कराया हो, ठीक है, तो वहाँ यहाँ इसका जो पीएम किसान का जो पोर्टल है इस पर अपडेट होने में यहाँ पे कुछ दिन का वक्त लगता है, ठीक है। आधार बैंक अकाउंट सीडिंग जो स्टेटस है यहाँ पे आप साफ देखेंगे कि यहाँ पे डिस्क्लाइमर में भी लिखा हुआ है कि 15 दिन के आसपास पोर्टल पर अपडेट होने में समय लगता है, लेकिन नया रजिस्ट्रेशन है इनका 7/7/2024 को, बस इसी 7 को रजिस्ट्रेशन किया गया है, तो यहाँ पर 4-5 दिन के अंदर यहाँ पर आधार बैंक अकाउंट सीडिंग यहाँ पे नो से यस हो जाएगा, ठीक है। हमने कई लोगों को देखा हुआ है, तो आपको भी अगर नया रजिस्ट्रेशन हो या आपने पुराना रजिस्ट्रेशन हो और आप आधार बैंक अकाउंट सीडिंग कराए होंगे पहले नो होगा, तो बैंक से जा करके यहाँ पे पीएम किसान के पोर्टल पे अपडेट होने में कुछ दिन का वक्त लग जाता है, तो आपको घबराना नहीं है, आपका यहाँ पे आधार बैंक अकाउंट सीडिंग नो से यस हो जाएगा। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, ताकि पीएम किसान से रिलेटिव और भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलेंगे नए जानकारी के साथ, आपका दिन शुभ।